Swayam Prabha, Digital India, Educated India Namaskar. मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में लेक्चर में मनोविज्ञान में प्रयोग के उपयोग के बारे में समझा प्रयोग विधि किसे कहते हैं यह भी जाना किसी प्रयोग के द्वारा हम किस प्रकार से किसी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये भी जाना उसके बाद हमने रिसर्च में जो स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने होते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की लास्ट के क्लासेस में हम लोगों ने सिस्टमेटिक वेरिएंस, एक्सट्रेनियस वेरिएंस तथा एरर वेरिएंस के बारे में चर्चा की तो उसमें हमने देखा कि किसी प्रयोग को सफल करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का जो प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है उसे मैक्सिमाइज करना होता है अर्थात हम अपने प्रयोग में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव का ही मापन करना चाहते हैं उसके अतिरिक्त एरर वेरिएंस और एक्सट्रेनियस वेरिएंस को हम लोग या तो कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं या उसे मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमें इसी में हमारी सहायता करता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है सामान्य शब्दों में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो मुझे उस एक्सपेरिमेंट को किस प्रकार करना है इसमें गाइड करता है इसमें हम किस प्रकार अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन इनकॉर्पोरेट करते हैं किस प्रकार उसके लेवल्स का निर्धारण करते हैं तथा किस प्रकार हम अपने सैंपल से पार्टिसिपेंट को उन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स पर पुट करते हैं उनका डेटा कलेक्ट करते हैं यह हमारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की रूपरेखा ही हमें बताती है तो हम यहाँ यदि यह कहें कि हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमें हमारे सिस्टमेटिक वेरिएंस को मैक्सिमाइज करने में मदद करता है तो यह पूर्णतः सत्य होगा तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे पास कितने प्रकार के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं या आप यू कहें कि हम कितने प्रकार से किसी एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं तो यदि हम मुख्यतः देखें तो सभी प्रकार के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को मुख्यतः हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं जिसमें हम लोग पहले भाग को बिटवीन सब्जेक्ट या बिटवीन ग्रुप डिजाइन दूसरे को विधिन सब्जेक्ट या विधिन ग्रुप डिज़ाइन तथा तीसरे टाइप को हम लोग मिक्स्ड डिज़ाइन का नाम देते हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग पहले प्रकार अर्थात बिटवीन सब्जेक्ट या बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि बिटवीन सब्जेक्ट या बिटवीन ग्रुप अर्थात दो सब्जेक्ट या दो ग्रुप्स के बीच में हम लोग इस डिज़ाइन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं तो यदि हमारी हाइपोथेसिस है कि हमें दो ग्रुप्स के बीच में अंतर निर्धारित करना है और जानना है कि क्या यह अंतर सार्थक है या नहीं तो इस प्रकार के डिज़ाइन में हमें बिटवीन सब्जेक्ट या बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा यह एक सामान्य रूपरेखा है बिटवीन ग्रुप या बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन की अब हम लोग विस्तृत रूप से इसके अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ लिखा है इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन इंडिपेंडेंट का क्या अर्थ है कि जो एक ग्रुप है एक ग्रुप है जिसमें कुछ सब्जेक्ट हैं पार्टिसिपेंट हैं वह दूसरे ग्रुप से इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र है इसका अर्थ हुआ हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनमें अलग अलग पार्टिसिपेंट हैं और वो पार्टिसिपेंट एक दूसरे पर डिपेंड या कोरिलेट नहीं कर रहे हैं इसका अर्थ है कि उनका जो डेटा है हम लोगों ने सेपरेट लेवल पर या सेपरेट कंडीशन पर कलेक्ट किया है इसीलिए जो डेटा हमें उनका प्राप्त हुआ है वो किसी और लेवल या कंडीशन पर आधारित नहीं है इसीलिए हम लोग इसे इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन स्वतंत्र समूह अभिकल्प भी कहते हैं इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे यदि मुझे वर्क एक्सपीरियंस का प्रभाव देखना हो वर्क परफॉर्मेंस पर और मुझे ये हाइपोथेसिस डेवलप करनी हो कि जिन व्यक्तियों का वर्क एक्सपीरियंस ज़ीरो से फाइव इयर्स है तथा अन्य ग्रुप जिनका वर्क एक्सपीरियंस छः से लेकर दस साल के बीच है तो क्या इस वर्क एक्सपीरियंस के कैटेगराइजेशन का हमारे वर्क परफॉर्मेंस पर कोई प्रभाव है या नहीं ये दोनों ग्रुप वर्क परफॉर्मेंस की टर्म में डिफरेंट हैं या नहीं यदि ये डिफरेंट हैं तो क्या यह डिफरेंस सार्थक है या नहीं इस कंडीशन में हमारे लिए उपयुक्त होगा बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन अब हम लोग इसे इस हाइपोथेसिस के साथ कैसे डेवलप कर सकते हैं इसे उदाहरण के रूप में देखते हैं जैसा हमने कहा कि हम लोग वर्क एक्सपीरियंस का प्रभाव देखना चाहते हैं वर्क परफॉर्मेंस पर जिसमें हमने वर्क एक्सपीरियंस को दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया ज़ीरो टू फाइव इयर्स एक्सपीरियंस एवं सिक्स टू टेन ईयर वर्क एक्सपीरियंस अब हम लोग जिन व्यक्तियों का वर्क एक्सपीरियंस ज़ीरो टू फाइव ईयर्स है उन्हें इस ग्रुप में रख लेंगे हम एग्जाम्पल के लिए इसका नाम अभी ग्रुप ए दे रहे हैं दूसरे ग्रुप में हमारे कौन लोग होंगे वो जिनका वर्क एक्सपीरियंस छः से लेकर दस साल के बीच में है तो अब हमारे पास दो ग्रुप्स हैं जिनमें दो अलग अलग लोग हैं इंडिपेंडेंट हैं वो एक दूसरे से पहले ग्रुप में ज़ीरो से लेके कर पाँच साल तक के वर्क एक्सपीरियंस के लोग हैं तथा दूसरे ग्रुप में छः से लेकर दस साल के वर्क एक्सपीरियंस के लोग हैं अब हम लोग जब इनका वर्क परफॉर्मेंस पर मेज़र करें और इन दोनों ग्रुप्स का आपस में अंतर सार्थकता के स्तर पर जांचें, तो हम यह जान पाएंगे कि ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट हैं या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है तो इस प्रकार इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन के द्वारा हम लोग इस प्रकार के रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं अब दूसरा इसका विशेषता है कि इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो एक से अधिक ग्रुप में नहीं हो सकते अर्थात जो लोग किसी एक ग्रुप में हैं जीरो टू फाइव या 6 टू 10 वो प्रतिभागी किसी एक ही ग्रुप का पार्टिसिपेंट होगा क्योंकि ये दो हमने ग्रुप बनाए हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तथा ये जो स्वतंत्रता के स्वतंत्र चर के स्तर हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये ये निर्धारित करते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में कितने ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं जैसे अभी हम लोगों ने जो हाइपोथेसिस बनाई उसमें हम लोगों ने दो ग्रुप्स का निर्माण किया ज़ीरो टू फाइव एंड सिक्स टू टेन अब हम लोग यदि चाहें तो इन्हें और ग्रुप्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यदि हमारे पास सिर्फ जीरो टू टेन ईयर्स के ही एम्प्लॉयज़ हैं तब भी हम लोग इनके ग्रुप्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं जैसे हम लोग ग्रुप ए में ज़ीरो टू फाइव ईयर ग्रुप ए में ज़ीरो टू टू ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस फिर थ्री टू फोर ग्रुप बी में ग्रुप सी में फाइव टू सिक्स ग्रुप डी में सेवन टू एट और इसी प्रकार आगे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं और ये लेवल हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही हमें ये निर्धारित करके बताएंगे कि हमारे इस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कितने पॉसिबल ग्रुप होंगे इसके बाद हमारे बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन में एक से ज़्यादा अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम लोग एक समय में सिर्फ़ एक वेरिएबल या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर देख सकते हैं यदि हम चाहें तो एक साथ एक से अधिक वेरिएबल का प्रभाव भी डिपेंडेंट वेरिएबल पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर यदि हमारे पास एक फर्स्ट वेरिएबल वर्क एक्सपीरियंस था तो इसके साथ हम लोग दूसरा वेरिएबल भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जैसे अब हम वर्क मोटिवेशन का एक नया वेरिएबल इसमें ऐड करें और वर्क मोटिवेशन के भी दो लेवल या तीन लेवल हम लोग निर्धारित कर लें तो इस परिस्थिति में मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और इन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के स्तर और इनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से मेरे पास कुछ कैटेगरीज़ होंगी उन कैटेगरीज़ में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट होंगे जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे और इस प्रकार मैं इन दोनों वेरिएबल्स का एक साथ वर्क परफॉर्मेंस पर प्रभाव देख सकता हूँ इस चर्चा को जब हम आगे करेंगे तो हम एक साथ इस तरह का डिज़ाइन जहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ उपयोग में लाए जा सकते हों आगे उस पर उदाहरण के साथ चर्चा करेंगे उस तरह के डिज़ाइन को हम लोग फैक्टोरियल डिज़ाइन की संख्या देते हैं अब इसके अतिरिक्त भी हमारे एक्स एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा ट्रीटमेंट कंडीशंस या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल रखते हैं तो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को इन ट्रीटमेंट कंडीशंस या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स के अकॉर्डिंगली उनके स्पेसिफिक ग्रुप में उन्हें प्लेस करते हैं जैसे यदि हमारे पास एक सैम्पल हो ये हमारा सैंपल है और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो ग्रुप हैं तो G1, G2 तो यहाँ पर जो मेरे पास पार्टिसिपेंट हैं उन्हें मैं दो ग्रुप्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा यदि यहाँ पर मेरे पास दो से ज़्यादा ग्रुप हैं तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को इन नंबर ऑफ ग्रुप्स या ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली प्लेस कर दूंगा प्लेस करने का अर्थ है कि उन पार्टिसिपेंट को हम लोग उस ग्रुप में रखेंगे और वो पार्टिसिपेंट सिर्फ उसी ग्रुप में अपना डेटा हमें देंगे अब प्रतिभागी किसी एक ट्रीटमेंट अवस्था या स्वतंत्र चर में भाग लेंगे इसका अर्थ है कि जो कोई भी एक पार्टिसिपेंट है फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास यहाँ P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास बस यही दस पार्टिसिपेंट हैं तो यदि पार्टिसिपेंट टू ग्रुप ए का पार्ट बनता है तो अब वह ग्रुप थ्री या ग्रुप टू का पार्ट नहीं बनेगा अर्थात वह अब इन दोनों ग्रुप्स में सम्मिलित नहीं हो पाएगा यदि पी नाइन ग्रुप टू में सम्मिलित होता है तो अब उसका बाकी दोनों ग्रुप्स में कोई सम्मिलित होने की चांसेस नहीं होंगे इसका अर्थ है कि एक पार्टिसिपेंट किसी एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकता है उसी में सम्मिलित हो सकता है इसीलिए इसे बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट दो या दो से ज़्यादा ट्रीटमेंट कंडीशन या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के स्तर पर पार्टिसिपेट नहीं करता है वो स्वतंत्र रूप से सिर्फ किसी एक ग्रुप का ही भाग बनता है इस तरह के जो हमारे पास डिज़ाइन है उसमें एक जो सबसे बड़ा इशू है या सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हम फेस करनी होती है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं माना हम लोगों ने अपने सैंपल से दो ग्रुप्स बनाए ग्रुप वन ग्रुप टू और उसके बाद हम लोगों ने वर्क परफॉर्मेंस पर इन दोनों के अंतर को जांचा, और हमें मिला कि ग्रुप टू का परफॉर्मेंस ग्रुप वन के परफॉर्मेंस से अधिक है वो उससे ज़्यादा है इस परिस्थिति में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि ग्रुप टू के जो पार्टिसिपेंट हैं उनका परफॉर्मेंस उस ग्रुप टू की करैक्टाइटिक माना यहाँ अगर वर्क एक्सपीरियंस था तो सिक्स टू टेन ज़ीरो टू फाइव वर्क एक्सपीरियंस के कारण से उनका परफॉर्मेंस अच्छा हमें दिखाई पड़ रहा है लेकिन इसमें हम लोग एक चीज को मिस करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ जो ग्रुप वन में पार्टिसिपेंट्स हैं वन टू एन जितने भी हैं और ग्रुप टू में पार्टिसिपेंट वन टू एन इन पार्टिसिपेंट्स की अपनी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपने मोटिवेशंस हैं अपनी कॉग्निशन हैं तो इन दोनों ग्रुप्स में यदि मेरा कोई एक ग्रुप किसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से दूसरे ग्रुप से डिफरेंट हो और तब ये संभावना भी बनती है कि वो जो पर्टिकुलर हमारा करेक्टरिस्टिक uh, है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के कारण इन दोनों ग्रुप्स को भिन्न कर रहा है तो हो सकता है वो एक कारक हो परफॉर्मेंस के बढ़ने का जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं ऐसा हो सकता है कि ग्रुप टू में जो व्यक्ति हैं उनकी वर्क मोटिवेशन बहुत ज्यादा है अब ग्रुप टू के जो परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट हुआ जो ज्यादा हमें मिली अब हम क्या कहेंगे कि क्या वो वर्क एक्सपीरियंस के कारण है या इन पार्टिसिपेंट के वर्क मोटिवेशन के कारण है तो चूंकि यहाँ पर दोनों ग्रुप्स इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों ग्रुप्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें टैकल करने होते हैं हमें इस तरह के मेथड्स यूज़ करने होते हैं ताकि इन दोनों ग्रुप्स के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनका जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो सके अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है कि इस तरह के डिज़ाइन में हम लोग कॉमनली जो ग्रुप्स के बीच में अंतर है उसके विषय में अध्ययन करते हैं जैसा कि हम लोग अभी तक हमने जो एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उनमें देखा है कि दो ग्रुप्स हैं या दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में डिफ़रेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं और अब हम लोग उन पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप हमने जिस करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर बनाए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जिस मैग्नीट्यूड जिस ट्रीटमेंट कंडीशन या जिस स्तर के आधार पर बनाए हैं वो आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं तथा यह जो अंतर है यह सार्थक है तो यहाँ तक हम लोगों ने बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के विषय में जानकारी प्राप्त की अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के दो बेसिक कंपोनेंट्स या कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जब हम लोग बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन बनाते हैं तो कॉमनली हम लोग कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अपने पार्टिसिपेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप का क्या अर्थ है तथा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का क्या अर्थ है इसे हम बहुत सिंपली समझने का प्रयास करते हैं हम मानते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस है और हम देखना चाहते हैं कि प्रैक्टिस का क्या प्रभाव पड़ता है तो इस कंडीशन में जिन व्यक्तियों के ऊपर जिस ग्रुप के ऊपर हम लोग अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इम्प्लीमेंट करते हैं या उन्हें उसके बारे में वो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रोसेस से गुज़रते हैं तो उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं प्रायोगिक या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो जहाँ हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा वो किससे इंटरेक्ट करेगा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से और किस प्रकार हमने इसको मैनिपुलेट किया है जो हमारा सेकंड ग्रुप होगा कंट्रोल ग्रुप उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी कनेक्शन या उसे उस प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजारते हैं अर्थात ये जो ग्रुप है इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की डिफरेंट कंडीशंस या डिफरेंट लेवल्स के थ्रू नहीं होकर जाएंगे उनका बाद में जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो सेम होगा बिना किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव के अब जो दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उस वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो प्रोसेस हैं उनसे गुजरेगा या इसका प्रभाव हम लोग अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट पर देंगे तो जो बाद में हमारे पास डेटा आएगा उसमें किसका इन्फ्लुएंस होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और कंट्रोल ग्रुप में चूंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकॉर्पोरेट नहीं किया है तो ये जो डेटा है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का प्रभाव नहीं होगा अब हम यदि इन दोनों के डिफरेंसेस की जांच करें तो हम ये कह पाएंगे कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो किसके कारण है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण तो इस प्रकार हम लोग एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप को डिफाइन करते हैं अब जब हम लोग इन ग्रुप्स को डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों डेटा में जो डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण आ रहा है यह किस अवस्था में पॉसिबल है जब जब पहले की शुरुआत की कंडीशन में ये दोनों ग्रुप्स इक्वल हों एक जैसे हों तभी हम कह सकते हैं कि जो हमें बाद में डेटा मिला है उसमें जो डिफरेंस है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण है लेकिन यदि शुरू से ही ये दोनों ग्रुप अनइक्वल हों पहले से ही किसी एक ग्रुप का किसी एक पर्टिकुलर डेटा के लिए बायसनेस हो वो ज्यादा हो या कम हो तो उस कंडीशन में जो हम लोगों का डेटा बाद में मिलेगा उसमें जो अंतर हमें मिला है वो हो सकता है उस अन इक्वलिटी के कारण हो जो हमारे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के बीच में है तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये इंश्योर करते हैं कि हमारे दोनों ग्रुप एक्सपेरिमेंटल एवं कंट्रोल ग्रुप दोनों इक्वल हों एक जैसे हों तो हम यह कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि दोनों ग्रुप इक्वल हो, एक जैसे हो? इनके लिए हमारे पास मेज़रली दो टेक्निक्स हैं यदि हम इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो हम लोग ये कह पाएंगे कि हमारे ग्रुप्स शुरू में ही इक्वल थे और अब जो इनके बीच में डिफरेंसेस हमें मिल रहे हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण ही प्रवृत्त पर, हुए हैं या इंडिपेंडेंट in, वेरिएबल के कारण ही वो हमें दिखाई दे रहे हैं तो इसमें जो पहला प्रोसेस है रेंडमाइजेशन बुक्स में आप लोग इसे रैंडम सैंपलिंग और रैंडम असाइनमेंट के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी देख पाएंगे यहाँ पर रैंडमाइजेशन का एक सीधा सा अर्थ है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उससे जब हम लोग सैम्पल कलेक्ट करें तो हम लोग रैंडम सैंपलिंग के प्रोसेस से डेटा कलेक्ट करें ताकि जो हमें डेटा मिले वो रैंडम हो उसके अंदर हमारी पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एज इट इज़ हों उसके बाद जब हमारे पास सैम्पल मिल जाए टोटल पार्टिसिपेंट हमारे पास हो, तो उसके बाद जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस में उन पार्टिसिपेंट्स को असाइन करें उन्हें उस ग्रुप में सम्मिलित करें तो भी हम लोग रैंडम असाइनमेंट के माध्यम से उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस में असाइन करें यहाँ पर रैंडम असाइनमेंट का अर्थ है के सभी पार्टिसिपेंट के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी हो कि वो किसी भी एक ट्रीटमेंट ग्रुप का हिस्सा बन सके अब हम इसे एक साधारण से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे तो यह हम मान रहे हैं कि यह हमारी पॉपुलेशन है उसके बाद हम लोगों ने इस पॉपुलेशन से रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से सैम्पल कलेक्ट किया अब हम लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल ये कुछ सैंपल हैं हम लोग उन्हें इस डॉट से चिन्हित कर रहे हैं अब हमारे पास माना तीन कंडीशंस हैं या हम ये मान लें जैसा ऊपर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स हैं तो यहां पर मैं रैंडम असाइनमेंट के थ्रू ये निर्धारित करूं कि कौन सा पार्टिसिपेंट किस ग्रुप में जाएगा यहां मैं अपने कन्वीनस अपनी बायसनेस या किसी और भी कारण के कारण यह ना निर्धारित करूं कि कौन सा पार्टिसिपेंट किस ग्रुप में होगा तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं रैंडम असाइनमेंट अब चूंकि हम लोग रैंडम असाइनमेंट के थ्रू इन दोनों ग्रुप्स में अपने पार्टिसिपेंट को प्लेस कर रहे हैं तो रैंडम असाइनमेंट रैंडम सैम्पलिंग और रैंडमाइजेशन के प्रिंसिपल के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इक्वल कैटेगराइजेशन इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स या एक जैसी विशेषताएं रखते हैं क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट के पास इक्वल पॉसिबिलिटी थी किसी भी ग्रुप में सम्मिलित होने की तो जब वो एक ग्रुप डेवलप हुआ होगा तो उसमें वैसी ही करेक्टरिस्टिक्स आई होंगी जैसी मेरी सैम्पल या मेरे पॉपुलेशन में निहित हैं तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट करेक्ट तरीका है मेथड है उसके बारे में चर्चा करते हैं तो जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है मैचिंग अब हम मैचिंग किसे कहते हैं मैचिंग का अर्थ होता है किसी एक करेक्टर स्टिक के आधार पर दो या दो से ज्यादा चीजों को एक जैसे ग्रुप में रखना आप देखेंगे कि यदि हमारे पास चार डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर स्टिक्स के लोग हैं तो वो लोग जिनकी करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं किसके बेसिस पर मैचिंग वो क्या मिलाते हैं अपनी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स तो हम लोग इसी थेटिकल परस्पेक्टिव को समझते हुए मैचिंग के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने इक्वल ग्रुप जनरेट करने के लिए अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैचिंग को समझने का प्रयास करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कोई अभी हम लोगों ने माना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जॉब सेटिस्फैक्शन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वर्क परफॉर्मेंस और हमें यह लगता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन और वर्क परफॉर्मेंस के अतिरिक्त जॉब मोटिवेशन भी एक ऐसा फैक्टर होगा जो ये निर्धारित करेगा कि वर्क परफॉर्मेंस किस प्रकार की होगी तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं कि वर्क मोटिवेशन के कैटेगरीज डेवलप करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन के फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दो या तीन लेवल हैं तो हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन के एक फर्स्ट लेवल में भी उसी नेचर के उसी ट्रेंड के जॉब मोटिवेशन के लोग हों जैसे कि ग्रुप टू में और ग्रुप थ्री में हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जॉब मोटिवेशन के भी उसके मैग्निट्यूड के अकॉर्डिंगली तीन ग्रुप या तीन से ज़्यादा ग्रुप बना सकते हैं यहां हम एग्जाम्पल के लिए तीन ग्रुप बना रहे हैं जॉब मोटिवेशन के तो माना हमने यहां पर जॉब मोटिवेशन के भी तीन ग्रुप बनाए हाई मीडियम लो अब जब हम लोग इन तीनों ग्रुप से अलग अलग सेम रेशियो में जॉब सेटिस्फेक्शन के ग्रुप वन ग्रुप टू और ग्रुप थ्री में पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि किसी एक ग्रुप में ही हाई जॉब मोटिवेशन के व्यक्ति हों क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस करेक्टरिस्टिक को मैच करते हुए तीन ग्रुप पहले से ही बना चुके हैं और अब इन ग्रुप्स के आधार पर हम लोग अपने पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मैं कुछ हद तक रैंडम असाइनमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें कट कर रहा हूँ या इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट्स के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ पर ये इक्वल प्रोबेबिलिटी कुछ हद तक कम हुई है क्योंकि मैंने पहले ही किसी एक बेसिक करेक्टरिस्टिक के आधार पर इनको तीन ग्रुप्स में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर यह समझ पाए कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है कंट्रोल ग्रुप क्या होता है और किस प्रकार हम लोग एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल कंट्रोल ग्रुप की नेचर को मैनिपुलेट कर सकते हैं अब हम लोग आगे डिस्कशन को बढ़ाते हुए बिटविन ग्रुप डिज़ाइन का एक प्रेजेंटेशन या एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले किसी भी रिसर्च में जो सबसे पहला स्टेप है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है पॉपुलेशन क्यों क्योंकि हम लोग उसी से डेटा कलेक्ट करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है उसी पर जर्नलाइज करते हैं तो सबसे पहले हमने माना हमारे पास पॉपुलेशन है ये उसके बाद हम लोगों ने इससे सैंपल कलेक्ट किया अब हम लोगों ने इस सैंपल से कंडीशन ए कंडीशन बी और कंडीशन सी में अपने पार्टिसिपेंट को सम्मिलित किया और उसके बाद हमने इन तीनों कंडीशंस का प्रभाव जाना तो ये एक बेसिक एग्जांपल है एक बेसिक प्रेजेंटेशन है हमारे बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन का क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारे ये तीन ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तीन लेवल्स हैं उनके बीच में आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या डिफरेंस जो डिफरेंस है इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है और उसकी सार्थकता की जांच कर सकते हैं तो ये हमारा एक सामान्य चित्रण हुआ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं तो बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में हम लोग एक टू इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं अब हम लोग किस कंडीशन में टू इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन डेवलप करते हैं किस तरीके से दो इंडिपेंडेंट ग्रुप डेवलप करते हैं इस बारे में जानकारी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ की एज है इससे उनकी वर्क परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ रहा है या हम कह सकते हैं कि उनकी वर्क परफॉर्मेंस उनकी एज के कारण घट और बढ़ रही है अब हमें क्या जानना है क्या ये हमारा परसेप्शन ऑब्जर्वेशन सच है रियल है या नहीं इसके लिए हम लोगों ने टू इंडि टू इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन डेवलप किया जिसमें हम लोगों ने माना ट्वेंटी टू थर्टी जो एज ग्रुप के एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें ग्रुप ए में रख लिया और थर्टी वन टू फोर्टी के ग्रुप बी में तो यहां पर हम लोगों ने दो इंडिपेंडेंट ग्रुप डेवलप करिए टू इंडिपेंडेंट ग्रुप अब हम इसे प्रेजेंट करते हैं तो जैसे हम लोगों के पास आईवी हुआ एज तो हमारे पास ग्रुप ए है ग्रुप बी है ग्रुप ए में कौन लोग होंगे जिनकी एज ट्वेंटी टू थर्टी होगी ग्रुप बी में कौन लोग होंगे जिनकी एज थर्टी वन टू फोर्टी होगी अब हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं तो हम लोगों ने उन पार्टिसिपेंट्स को माना ये हमारा सैंपल है ये हमारे पार्टिसिपेंट हैं अब इन्हें ग्रुप ए में या ग्रुप बी में क्योंकि बिटवीन ग्रुप डिजाइन में एक पार्टिसिपेंट एक ही वर्किंग कंडीशन में होगा तो पी वन P2, P3, P4, P5, P6 पी फाइव पी सिक्स एंड सो ऑन n तक अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर इन दोनों ग्रुप का मीन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग मीन वन मीन टू मीन वन और मीन टू के डिफरेंस को जांचेंगे कि क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है मीन वन और मीन टू के डिफरेंस को हमें जांचने के लिए एक डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स की ज़रूरत होती है उस डेटा एनालिसिस की टेक्निक को हम लोग टी टेस्ट इंडिपेंडेंट टी टेस्ट दो प्रकार के हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे जब हमारे दोनों ग्रुप इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से तो हम लोग इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कैलकुलेट करते हैं इंडिपेंडेंस टी टेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम लोग आगे की क्लासेस में विस्तृत रूप से इसके बारे में जानेंगे तो अब हम लोगों के पास माना इस तरीके से दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस मिला उसकी हमने सार्थकता की जांच की और ये निर्धारित किया कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है तो हम लोगों की क्या कंडीशन होगी उस कंडीशन में हम लोगों की नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि नल हाइपोथेसिस भी यही क्लेम कर रही है कि दोनों ग्रुप्स के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है अब हम लोग यदि चाहें तो इन दो ग्रुप्स को और भी आगे बढ़ा सकते हैं अर्थात तीन या चार ग्रुप्स भी कर सकते हैं जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था तो हम अगर चाहें तो यहां पर एक ग्रुप थ्री भी ऐड कर दें ग्रुप बी थर्टी वन टू फोर्टी और जो ग्रुप सी हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्टी वन टू फिफ्टी अब हम लोग इस परिस्थिति में अपने पार्टिसिपेंट्स से तीनों कैटेगरीज में सम्मिलित करेंगे तो P1, P2 अगर यहाँ आ गया P3 भी है तो हम लोग अभी इसे रब कर देते हैं और दोबारा से असाइनमेंट करते हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 एंड सो ऑन टिल द एन अब हमारे पास दो नहीं तीन मीन होंगे तो इस कंडीशन में अब हम लोगों को दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करना है अब हमें तीनों ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो जब हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप्स हों उस कंडीशन में हम लोग टी कैलकुलेट ना करके अनोवा कैलकुलेट करते हैं अनोवा का अर्थ क्या है अनोवा की कैलकुलेशंस हम लोग किस प्रकार करते हैं तथा अनोवा की कैलकुलेशन से जो हमें रिजल्ट मिलता है उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग आगे की क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ हम बस यही जानते हैं कि अगर दो ग्रुप्स हों दोनों ग्रुप इंडिपेंडेंट हों तो हम लोग इंडिपेंडेंट टी कैलकुलेट करेंगे यदि हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप हों दो तीनों ग्रुप हों चार ग्रुप हों और तीनों या चारों ग्रुप इंडिपेंडेंट हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इंडिपेंडेंट अनोवा रन करेंगे या एनालिसिस करेंगे तो अब हम लोगों ने बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के एक टाइप एक मेथड से अपने एक्सपेरिमेंट को प्रिपेयर करना सीखा अब हम लोग दूसरे मेथड से सीखते हैं कि किस प्रकार हम लोग बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन का उपयोग करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं तो जैसा यहाँ पर लिखा है नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन इसका अर्थ हुआ अब मेरे पास दो ग्रुप्स होंगे एक एक्सपेरिमेंटल और दूसरा कंट्रोल ग्रुप तो यहां पर मेरा डिजाइन किस प्रकार का ड्रॉ होगा फॉर एग्जाम्पल यह हमारे पास सैंपल है अब एक ग्रुप मेरा बनेगा एक्सपेरिमेंटल के लिए और एक ग्रुप मेरा बनेगा कंट्रोल के लिए तो यह मेरी कौन सी कंडीशन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दूसरा ग्रुप मेरा कौन होगा कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किसे कहते हैं जिसमें मैं अपने आईवी को या आईवी की कंडीशंस को इनकॉर्पोरेट करूंगा आईवी, आईवी का मैनिपुलेशन आईवी की कैटेगरीज आईवी का लेवल ये कहाँ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ही इंटरेक्ट होगा या मैं यही अवस्थाएं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे लागू करूंगा कंट्रोल ग्रुप की कंडीशन क्या होगी नो no ट्रीटमेंट अर्थात इसमें आई की जो कंडीशंस हैं उन्हें सन्निहित नहीं किया जाएगा तो जो हमारे पास बाद में डेटा मिलेगा उसकी हम लोग यहां पर जांच करेंगे कि इन दोनों ग्रुप्स में कोई डिफरेंस है या नहीं और इस प्रकार हम लोग यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे कि यह जो डिफरेंस है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसमें किए गए सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन के कारण ही हुआ है तो ये कंट्रोल ग्रुप की एक कंडीशन हुई प्रिपेयर करने की हम इस कंडीशन को दूसरे किस तरह की कंडीशन में डेवलप कर सकते हैं माना हम लोगों के पास इसी सिचुएशन में दो कंडीशन हो, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप में हम लोग क्या करें नो ट्रीटमेंट ना देकर एक प्लेसोबो इफ़ेक्ट दें कॉमनली मेडिकल साइंसिस में जो रिसर्चेज होती हैं उसमें हम लोग कंट्रोल ग्रुप में नो no ट्रीटमेंट की कंडीशन ना रख कर प्लेसोबो की कंडीशन रखते हैं हम उन्हें इस तरह का प्रतीत कराते हैं कि उनके ऊपर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो कंडीशंस हैं वो इनकॉर्पोरेट की गई हैं जैसे यदि मुझे किसी मेडिसिन का इफ़ेक्ट जांचना हो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन के माध्यम से तो उस कंडीशन में मैं अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें वो मेडिसिन दूंगा और उसके बाद उस मेडिसिन के प्रभाव को मैं बाद में जांच लूंगा तो मेरे पास उस मेडिसिन से जो डिफरेंस आया है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा मेरे कंट्रोल ग्रुप में मैं उन्हें शुगर की गोली टाइप या कोई भी ऐसी मेडिसिन दूंगा जिसका कोई प्रभाव ना पड़ता हो तो उस कंडीशन में जो मेरा कंट्रोल ग्रुप है उस पर कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए क्योंकि ये पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है कि प्लेसेबो का कोई डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं होता है तो जो डिफरेंस आया है वो किसके कारण आया होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण तो इस प्रकार मैं कंट्रोल ग्रुप में नो कंट्रोल no या नो no आईवी तथा प्लेसेबो इफेक्ट के माध्यम से अपने बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के लिए एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर कर सकता हूँ तो अब हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे जैसा हम लोगों ने इस लेक्चर के शुरू में कहा था कि हम लोग एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी अपने बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम जो डिज़ाइन डेवलप करेंगे उसमें दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप होंगे और हम लोग उन दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का प्रभाव अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखेंगे तो हम यहां पर फॉर एग्जाम्पल अपना स्टडी का प्लान शुरू करते हैं और अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अभी हम लोग ए कह रहे हैं अब हमारे पास दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम लोग अभी B से डिनोट कर रहे हैं उसके बाद हम इंडिपेंडेंट वन में ये मानते हैं कि हमारे पास दो लेवल्स हैं या उसकी दो कैटेगरीज हैं या उसकी दो ट्रीटमेंट कंडीशन हैं तो यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा वो कैसा हो जाएगा ए वन ए टू क्योंकि इंडिपेंडेंट वन में दो लेवल्स हैं हमारे पास अब बी अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अभी के लिए हम मान लेते हैं कि इसमें भी सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं तो इस प्रकार हमारे पास टोटल अब चार कंडीशंस हो गए अब हम लोग इससे एक टेबल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है ए तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर उसे प्लेस कर ले रहे हैं ए वन ए टू उसके बाद हमारे पास दूसरा वेरिएबल है बी वन बी टू तो यदि मैं इन्हें यहाँ पर प्रेजेंट करूँ तो पॉसिबली कितनी कंडीशंस होंगी चार और वो चार कंडीशंस किन कॉम्बिनेशन से बनी होंगी ए वन बी वन पहली कॉम्बिनेशन फिर ए टू बी वन दूसरी कॉम्बिनेशन तीसरी कॉम्बिनेशन होगी बी टू ए वन फिर फोर्थ बी टू ए तो इस प्रकार से टेक्निकली अब मेरे पास चार कंडीशंस हैं अब हम लोगों ने बिटवीन ग्रुप डिजाइन में यह शुरू से ही डिस्कस किया है कि यहां पर एक पार्टिसिपेंट किसी एक ही कंडीशन में होगा तो यदि अब मेरे पास यहां पर मैं मान रहा हूं यह सैंपल है तो इस सैंपल से मैं अगर मैंने P1 वन पार्टिसिपेंट वन यहाँ पर चूज़ हुआ या रैंडम असाइनमेंट से वो इस ग्रुप में आया तो अब सेकेंड ग्रुप में कौन होगा कोई भी और P3 P8 P12 यहाँ पर मान लेते हैं अब ये P8 एट यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कभी क्यों क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस्ड है तो हो सकता है यहाँ पर P18 हो यहाँ पर P थर्टीन हो यहाँ पर पी ट्वेंटी हो जाए और जितना हमारे पास एन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने पार्टिसिपेंट्स को इन चार डिफ़रेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में इन चार डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में प्लेस कर देंगे और उसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इन कैटेगरीज़ के, के बीच में कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है तो इन कंडीशंस में हम लोग फैक्टोरियल अनोवा एक एनालिसिस है उसके माध्यम से ये जान पाते हैं कि इस इस तरह की कंडीशंस में वेरिएबल ए और वेरिएबल बी का क्या प्रभाव है और किस प्रकार ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे से इंटरेक्ट करके भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हैं तो यह अभी हम लोगों ने एक सिंपल इंडिपेंडेंट सैंपल फैक्टोरियल डिजाइन को ड्रॉ करके ये समझने का प्रयास किया कि यदि हमारे पास दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हों हो सकता है हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट ग्रुप हों अब अगर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो यहां पर मेरी क्या कंडीशन होगी अभी के लिए हम लोग ए में ही एक और वेरिएबल या एक और लेवल ऐड कर दे रहे हैं पहले हम लोग सिर्फ एक और स्टेप ऐड कर रहे हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू तो अब हमारे जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो कैसे होंगे ए वन बी वन ए टू बी वन ए थ्री बी वन बी टू ए वन बी टू ए टू बी टू ए थ्री और आप हमारे पार्टिसिपेंट इन चार कंडीशंस में डिस्ट्रीब्यूट ना होकर इन कंडीशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो इस प्रकार आप और भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस बना सकते हैं तो जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ में पढ़ते जाएंगे इस तरह के और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस को भी आप इस नॉलेज के साथ आगे और अच्छे से बना सकते हैं अब हम लोग आगे समझते हैं कि बिटवीन ग्रुप डिज़ाइंस के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या उसकी लिमिटेशंस हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर मैनिपुलेशन करना उसके ग्रुप्स बनाना काफ़ी इजी है हम लोग रिव्यू ऑफ़ लिटरेचर के द्वारा या और बेसिक नॉलेज के द्वारा ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह का ग्रुप बनाएंगे ज़ीरो टू फाइव फाइव टू टेन और टेन टू फिफ्टी या अगर मेडिकल में रिसर्च हैं तो हम लोग ये निर्धारित कर सकते हैं कि फ़ाइव एम की डोज होगी टेन एम की डोज़ होगी फिर फिफ्टीन की होगी या ट्वेंटी की होगी या डोजेज टू मिलीमीटर mm से शुरू टू से शुरू होंगी फिर फोर फिर सिक्स फिर एट ये हम लोग आसानी से डिसाइड कर पाते हैं बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को और अपने पार्टिसिपेंट को इजीली ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं हम लोग रैंडम असाइनमेंट के थ्रू मैच ग्रुप करके अपने पार्टिसिपेंट को डिफ़रेंट डिफरेंट ग्रुप्स में इजीली काफ़ी कम मेहनत करके भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस है नो ट्रांसफ़र ऑफ़ नॉलेज नो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज का अर्थ है कि यदि हमारे ये दोनों ग्रुप्स ट्रीटमेंट कंडीशंस में अलग अलग ना होते माना एक पार्टिसिपेंट इसी ट्रीटमेंट कंडीशन में भी इनकॉर्पोरेट होता उसका डेटा कलेक्ट होता फिर ट्रीटमेंट कंडीशन टू में भी डेटा कलेक्ट होता फिर ट्रीटमेंट कंडीशन थ्री में भी डेटा कलेक्ट होता तो ट्रीटमेंट कंडीशन टू के समय पर जो उसने ट्रीटमेंट कंडीशन वन में लर्न किया है जो उसे नॉलेज मिली है वो ट्रांसफ़र हो जाती और ट्रीटमेंट कंडीशन थ्री के समय पर ट्रीटमेंट कंडीशन वन और ट्रीटमेंट कंडीशन टू से जो उसे नॉलेज मिलती वो ट्रांसफ़र होती ट्रीटमेंट कंडीशन थ्री में तो चूंकि हमारे यहाँ पर ये तीनों ग्रुप्स बिटवीन ग्रुप में डिफरेंट हैं पार्टिसिपेंट डिफ़रेंट हैं तो किसी भी पार्टिसिपेंट ने अपने ट्रीटमेंट ग्रुप के अलावा और कोई नॉलेज गेन नहीं की है तो यहाँ पर किसी भी तरह की जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है अनटिल अनलेस हमारे किसी पार्टिसिपेंट को हमारे ही किसी रिसर्च के पार्टिसिपेंट ने उस रिसर्च के प्रोसेस के बारे में जानकारी ना दी हो अब इसका नेक्स्ट एडवांटेज है लेस टाइम बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन को प्लान करने में उसका डेटा कलेक्ट करने में उसके एक्सपेरिमेंट को रन करने में हमें थोड़े कम रिसोर्सिस का और थोड़े कम समय की आवश्यकता होती है हम लोग एक साथ ज़्यादा एन पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो जब मैं ट्रीटमेंट वन की कंडीशन में डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो पैरलरली ट्रीटमेंट टू की कंडीशन में भी डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ अब इसका जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है वो है लेस फटीग चूँकि यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट को सिर्फ एक ट्रीटमेंट कंडीशन में ही एक्सपोज किया जाता है उसका डेटा वहाँ पर कलेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर जो फटीग है जो उसके थकान के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं लेकिन यदि एक ही पार्टिसिपेंट P1 ही ट्रीटमेंट कंडीशन वन ट्रीटमेंट कंडीशन टू और पार्टिसिपेंट वन ही ट्रीटमेंट कंडीशन में एक्सपोज किया जाए उसका डेटा इन तीनों कंडीशंस में कलेक्ट किया जाए तो उस कंडीशन में जो फटीक के चांसेस होंगे वो काफ़ी अधिक होंगे तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इस बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन की जो कुछ लिमिटेशंस हैं जो कुछ कमियां हैं या सीमाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं इसमें सबसे पहला और सबसे मेजर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम लोगों ने इस डिस्कशन में पहले भी इस बात को कहा कि जब बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन होगा तो चूंकि सभी ग्रुप्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफ़रेंट डिफरेंट हैं और हम लोग एज ए पर्सनैलिटी एज ए ह्यूमन बींग डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ट्रीटमेंट की या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है या उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से है ये समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है तो इसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलिंग के मेथड्स को यूज़ करना होता है इसके अलावा जो एक और मेजर कॉज है वो है कि जब हम अपने ग्रुप्स को बनाएं तो वो ग्रुप्स इक्वल हों हम लोग रैंडमाइजेशन का उपयोग करें रेंडम असाइनमेंट का उपयोग करें मैचिंग करें और उसके बाद रिसर्च शुरू करने से पहले हमारे पास इक्वल ग्रुप हों लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है थोड़ा डिफिकल्ट है तो उस कंडीशन में हमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं हम रेंडम सैम्पलिंग रैंडम असाइनमेंट और मैचिंग के बाद भी हंड्रेड परसेंट ये श्योर नहीं कर पाते हैं कि जो ग्रुप्स हैं वो शुरू से ही इक्वल थे कन्फाउंडिंग इफेक्ट का अर्थ है कि जब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट डेटा देते हैं तो उस समय पार्टिसिपेंट और कंडीशंस के बीच में एक कन्फाउंड इफ़ेक्ट आता है तो उससे जो हमारा इफ़ेक्ट है जो हम सिस्टमेटिक वेरिएंस आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं उसमें कुछ डिस्टॉर्शन होते हैं तो इस प्रकार आज हमने देखा कि बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन किसे कहते हैं किस तरीके से हम लोग बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या उसकी लिमिटेशंस हैं आज हमने इस लेक्चर में सीखा अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे का डिज़ाइन सीखेंगे आज हम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो थैंक यू